हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल करण बंधु। तो आज आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक यूट्यूब वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के फर्स्ट बुक यानी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का फर्स्ट चैप्टर द कोल्ड वॉर एरा के बारे में डिस्कस करूँगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके मेरी सभी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखें। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करा तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टा आईडी का लिंक मिल जाएगा, उस पर अभी जाके फॉलो करें। और वीडियो के आखिर में बताना ना भूलें कि वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। फालतू की बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है द कोल्ड वॉर एरा, यानी कोल्ड वॉर के टाइम की है, टाइम क्या था। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स यानी जो हमारी बुक का नेम है उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले कंटेम्प्रेरी मतलब क्या होता है। कंटेम्प्रेरी मतलब होता है बिलोंगिंग टू और ऑकरिंग प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट में रहना, प्रेजेंट में क्या चल रहा है ये सब। फॉलोइंग मॉडर्न आइडिया, प्रेजेंट में रहकर मॉडर्न आइडिया को फॉलो करना, यानी पुराने रीति रिवाजों तौर तरीकों को भुला देना। ये कब स्टार्ट हुआ था ये पीरियड, यानी कंटेम्प्रेरी पीरियड कब स्टार्ट हुआ था, 1991 में, यानी जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुई थी। पहले थोड़ा सा इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हिस्ट्री का बैकअप कर लेते हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब हुई थी, 1914 टू 1918, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1939 टू 1945। इसमें दो ग्रुप थे, एलीड और एक्सिस। एलीड ग्रुप के मेंबर थे यूएसए, यूएसएसआर। यूएसएसआर स्टैंड्स फॉर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ये रशिया को मिलाकर 14 अदर कंट्रीज से मिलकर बना है, फ्रांस और द ग्रेट ब्रिटेन। एक्सिस ग्रुप में कौन कौन से, जर्मनी, इटली, जापान। स्टार्टिंग में जो यूएसए था वो वॉर का पार्ट यानी वर्ल्ड वॉर सेकेंड का पार्ट नहीं बनना चाहता था, पर जापान ने बोला। जापान ने क्या काम करा, जापान ने यूएसए के पर्ल हार्बर नाम के ब्रिज पर बॉम्ब अटैक कर दिया, जिसके थ्रू यूएसए को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और यूएसए की एंट्री हो गई वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। यूएसए पार्ट बन गया और उसके बाद यूएसएसआर भी पार्ट बन गया। एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी एंड कब हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, व्हेन यूएस ड्रॉप टू एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी 1945 अगस्त। ये जो दो सिटीज़ पे, हिरोशिमा और नागासाकी पे क्या करा जापान ने, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी सिटीज़ पे यूएसए ने क्या काम करा, उस पर दो बॉम्ब अटैक कर दिए, यानी दो बॉम्ब एटॉमिक बॉम्ब फेंक दिए। कब, 1945 अगस्त में। ये क्यों फेंके थे, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बता दिया था, जापान ने क्या करा था, यूएसए के पर्ल हार्बर ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर दिया था बॉम्ब अटैक से। इसी बात पे गुस्सा आकर उसने अपने दो बड़े बड़े बॉम्ब उस पर उठा के फेंक दिए, और उन दोनों बॉम्ब को क्या कोडेड दिया, यानी जो हिरोशिमा पे फेंका था उसको लिटिल बॉय, और जो नागासाकी पे था उस पर उसको फैट मैन। ये यूएसए ने कर तो दिया था, इसके बाद इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म में रहना पड़ा था, क्रिटिसाइज हुआ था इस हरकत के बाद। ये क्या कहा जा रहा था, लोगों का मानना क्या था कि यूएसए को पता था जापान सरेंडर करने ही वाला था, ये जो एटॉमिक बॉम्ब इसने जो दो फेंके थे ये बहुत अननेसेसरी थे, असेंशियल नहीं थे फेंकने, ये सिर्फ अपने आप को सुप्रीम साबित करना चाहता था और यूएसएसआर को मिलिट्री मेकिंग और पॉलिटिकल गेन्स करने से रोकना चाहता था एशिया के अंदर। पर यूएसए के सपोर्टर्स ने क्या तर्क दिया, उन्होंने कहा कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड को एंड करने के लिए और जितने भी एलीट के मेंबर थे और अमेरिकन सेना थी उन सब की जानों को बचाने के लिए ये करना ज़रूरी था, पर उसका मेन मकसद तो यही था वो सुप्रीमेसी तय कर सके अपनी। एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज द राइज ऑफ टू न्यू पावर्स ऑन द ग्लोबल स्टेज, यानी कहने का मतलब क्या है कि जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड का एंड हुआ तो सिर्फ दो ही पावर बची थी। पर हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, एलीड में चार थे, यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस और द ग्रेट ब्रिटेन। यूएसए ने जापान को तो वैसे ही हरा दिया था बॉम्ब अटैक कर, इटली और जर्मनी भी ऐसे ही हार गए थे लड़ते लड़ते। उसके बाद चार बचने जैसी, दो क्यों बची मैं बता देती हूँ, दो क्यों बची, जो फ्रांस और ब्रिटेन थे ना इनकी जो ज्योग्राफिकल लाइनें हैं, ये दोनों कंट्रीज जर्मनी के एकदम नेबरिंग कंट्री की तरह बहुत पास है, तो इनका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, इनके बीच में डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। मैं आपको एक बार मैप में शो कर देती हूँ, ये देखो
ये अपना फ्रांस है, ये ब्रिटेन है, और ये जो इतना पार्ट दिख रहा है जहाँ जहाँ मेरी पेन मूव कर रही है, ये वाला पार्ट अपना जर्मनी है। तो इसका आप देख सकते हो इनकी बाउंड्रीज मिल रही है फ्रांस और जर्मनी की, और ब्रिटेन इनकी एक नेबरिंग कंट्री हो गई। तो इनके बीच में एकदम डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसलिए तो फ्रांस और ब्रिटेन इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली बिल्कुल भी एबल नहीं थे एक सुपर पावर को फॉर्म करने के लिए। तो इन दोनों का तो पत्ता यहीं पे कट हो गया था। फिर बचे अपने यूएसए और यूएसएसआर, आगे अपने आप को सुप्रीम साबित करने के लिए और सुपर पावर बनने के लिए। और वैसे मैं बता दूँ, ये दोनों ही कंट्री, यूएस और यूएसएसआर, दोनों ही न्यूक्लियर कंट्रीज थी। दोनों के पास भरपूर मात्रा में न्यूक्लियर बॉम्ब थे। मैं एक बार और बॉम्ब के कोड बता देती हूँ। हिरोशिमा पे जो गिरा था वो लिटिल बॉय था, और नागासाकी पे जो गिरा था वो फैट मैन था। अब बात करते हैं क्यूबन मिसाइल क्रिसिस क्या था, जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारा चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक है, क्यूबन मिसाइल क्रिसिस। मैंने यहाँ पे मैप कुछ कंट्रीज ड्रॉ कर रखे, जैसे कि आपको दिख रहा है यूएसए, यूएसएसआर, क्यूबा। क्यूबा एक छोटा सा आइलैंड है जो यूएसए के एकदम नीचे है। यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो ये अब लड़ाई चल रही थी ना, किस बात पे थी? पहले तो ये एलीट के मेंबर थे, अब ये पहले ये साथ साथ थे, पर अभी अलग अलग हो गए थे। जब दो पावर बसती है, दोनों ही भरपूर मात्रा में एबल है अपने आप को प्रूफ करने के लिए, तो उनमें फिर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि यूएस और यूएसएसआर में हुई थी। यूएस और यूएसएसआर में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। यूएसए की आइडियोलॉजी थी, यानी सोच थी, कैपिटलिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी, वही यूएसएसआर की थी कम्युनिज्म। कैपिटलिज्म और लिबरल कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म आप पहले भी पढ़ चुके हैं 11th में, तो मैं फिर भी आपको इसके एंड में, यानी इस टॉपिक के एंड में आपको डिस्कस कर दूंगी हल्का सा। यूएसए के उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे वो थे जॉन एफ कैनेडी, और यूएसएसआर के जो लीडर थे उनमें से एक थे निकिता क्रुश्चेव। क्यूबा एकदम यूएसए के नीचे आता था। क्यूबा एक कम्युनिस्ट नेशन था, तो उसको हमेशा डर बना रहता था कि यूएसए कभी भी उस पर इन्वेड कर सकता है, यानी हमला कर सकता है। क्यूबा ने ये बात यूएसएसआर से जाके डिस्कस करी, जिसके कारण यूएसएसआर ने क्यूबा को मिलिट्री अलायंस, मिलिट्री बेस बनाने का सोचा अपना। इसने क्या, क्योंकि क्यूबा उससे हेल्प भी लेता था, इकोनॉमिक एड, वेपन्स की हो चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, बहुत हेल्प गेन करता था क्यूबा यूएसएसआर से। तो जब निकिता क्रस्टेव ने डिसीजन ले लिया क्यूबा को अपना मिलिट्री बेस बनाने का, तो उसने क्या काम करा, यूएसएसआर ने अपनी कुछ मिसाइलें क्यूबा पे जाके प्लॉट कर दी। 3 हफ्ते तक तो यूएसए को इसके बारे में कुछ भी नहीं था। क्यूबा के उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे फिडेल कैस्ट्रो। फिडेल कैस्ट्रो ने ही निकिता क्रुश्चेव से मीटिंग करी थी। यूएसए को जब पता चल गया 3 हफ्ते बाद में, मेरे एकदम नीचे मिसाइल्स रखी हुई हैं, न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब रखे हुए हैं, तो इसने क्या करा, इंटर सेपरेशन लाइन बना दी, जिसके कारण जो यूएसएसआर से शिप्स आ रही थी मिसाइल को लेकर क्यूबा तक पहुंचने के लिए, वो इंटर सेपरेशन लाइन की वजह से वहीं रुक गई, यानी इन शिप्स का आना अब नहीं हो पाया। और उसके बाद यूएसए और यूएसएसआर ने मीटिंग करी, और उसके बाद ये सॉर्ट आउट हो गया। यानी कहने का मतलब क्या था, क्यूबन मिसाइल क्रिसिस, ये क्रिसिस ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, ये हॉट वॉर में नहीं बदला, या वर्ल्ड वॉर 3rd में नहीं चेंज हुआ, इसे यहीं रफा दफा कर दिया गया। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस करा था, मैं कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म एक बार डिस्कस कर दूंगी आपके सामने। कैपिटलिज्म क्या होता है, काइंड ऑफ आइडियोलॉजी वेयर द स्टेट डजेंट इंटरफेयर इन द मार्केट, ओपन मार्केट वॉज देयर, प्रमोटिंग इंडिविजुअलिटी। यानी ये एक ऐसी तरह की आइडियोलॉजी जिसमें स्टेट कहीं पर भी इंटरफेयर नहीं करता है, ना ही तो वो मार्केट में करता है, ना ही वो इंडिविजुअल की लाइफ में करता है। कहने का मतलब ये, इंडिविजुअल यानी हर एक व्यक्ति को हक था उस टाइम पर कि वो अपना बिजनेस सेटअप कर सके। अब और वहीं कम्युनिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी थी वेयर एवरीथिंग कम्स अंडर स्टेट, चाहे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी क्यों ना हो, मार्केट क्यों ना हो, किसी भी व्यक्ति को प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का हक नहीं था। कम्युनिज्म कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी थी, जैसे कि हमने 11th में पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं अपने मेन मुद्दे की, कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर था क्या, ये पीरियड मैंने शायद पहले आपको बताया ही नहीं बताया, ये 1947 टू 1991 था, और उसी के बाद ही अपने 1991 के बाद ही अपने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पीरियड स्टार्ट हो गया था, यानी मॉडर्न पीरियड।
अब डिस्कस करते हैं कोल्ड वॉर क्या थी। कोल्ड वॉर वॉज नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ पावर राइवलरीज ऑफ मिलिट्री अलायंस एंड द बैलेंस ऑफ पावर। यानी कहने का मतलब क्या है, कोल्ड वॉर ये छोटी मोटी विरोधी कंट्री उसके बीच की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई मिलिट्री अलायंस के ऊपर नहीं थी या बैलेंसिंग ऑफ पावर के ऊपर नहीं थी। इट वॉज द रियल आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। ये एक आइडियोलॉजिकल, किसकी आइडियोलॉजी सही है, किसकी आइडियोलॉजी बेस्ट है, कौन बेस्ट है, उसके ऊपर थी इनकी ये जो टकरार थी, लड़ाई थी। ये दोनों ही चाहते थे कि वर्ल्ड को, वर्ल्ड में जितनी भी पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल एक्टिविटीज़ हैं उनको ऑर्गेनाइज करना, और वो हक किसको मिलता, जो सबसे बेहतर था। पर दोनों की आइडियोलॉजी दोनों के हिसाब से बेहतर थी, तो दोनों ही अपने आप को बेहतर समझते थे, दोनों ही चाहते थे हम पॉलिटिकल इकोनॉमिक और सोशल को एक्टिविटीज़ को वर्ल्ड में ऑर्गेनाइज करें। इट वॉज द रियल आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एज वेल एज अ डिफरेंस ओवर द बेस्ट एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट। यानी ये अपने ये दोनों कंट्री अपने अपने तरीकों को सुप्रीम मानती थी, हाँ भाई हमारा तरीका अच्छा है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सोशल लाइफ को चलाने का, और दूसरी बोलती थी नहीं हमारा अच्छा है। मैं दोबारा डिस्कस कर देती हूँ यूएसए और यूएसएसआर की आइडियोलॉजी को। यूएसए की थी कैपिटलिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी, वहीं यूएसएसआर की थी सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। सोशलिज्म भी वही है कम्युनिज्म की तरह। लॉजिक ऑफ डेटरेंस, डेटरेंस का मतलब, डेटरेंस शब्द का मतलब क्या होता है, डेटरेंस माने डर। इन द इवेंट ऑफ न्यूक्लियर वॉर बोथ साइड्स विल बी सो बैडली हार्म। दोनों को ही डर था कि अगर न्यूक्लियर वॉर होती है दोनों के बीच में तो दोनों को ही बुरी तरह हार्म पहुंचेगा। इट वुड बी इम्पॉसिबल टू डिक्लेयर वन साइड और अदर साइड एज अ विनर। यानी ये कहना मुश्किल हो जाएगा कि कोई इन दोनों में से कोई भी एक कंट्री विनर है। इवन इफ वन ऑफ देम ट्राइज टू अटैक एंड डिसेबल द न्यूक्लियर वेपन ऑफ इट्स राइवल, अदर वुड स्टिल बी लेफ्ट विथ इनफ न्यूक्लियर वेपन टू इन्फ्लिक्ट अनएक्सेप्टेबल डिस्ट्रक्शन। यानी कहने का मतलब क्या था, दोनों में तय था ये, अगर किसी भी सामने यानी विरोधी यानी यूएसएसआर, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, यूएसएसआर गलती से भी अपना एक बॉम्ब यूएसए पे फेंक देती है, तो यूएसए अपने सारे के सारे बॉम्ब, जितना भी उसका भंडार था ना बॉम्ब का, वो तो सारे के सारे यूएसएसआर पे फेंक देगा, जिससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। तो इसमें यही लिखा है, अगर किसी भी एक कंट्री ने ट्राई भी करा दूसरी यानी विरोधी कंट्री पे, अपनी राइवल कंट्री पे बॉम्ब फेंकने का, तो वो दूसरी सामने वाली कंट्री जिस पे बॉम्ब फेंका गया वो अपने सारे बॉम्ब उठाएगी और दूसरी सामने वाली कंट्री पे यानी अपोजिशन कंट्री पे फेंक देगी, जिसके कारण बहुत ज़्यादा तबाही मचेगी, बहुत ड्रास्टिक सिचुएशन बन जाएगी। ड्यू टू दिस डेटरेंस द कोल्ड वॉर नेवर टर्न इनटू हॉट वॉर और शूटिंग वॉर। इसी डर की वजह से ये कोल्ड वॉर कभी भी हॉट वॉर और शूटिंग वॉर में नहीं बदली। इसमें हमें पता चलता है कि यूएसए और यूएसएसआर दोनों ही रैशनली सोच रहे थे, उन्हें पता था अगर वॉर होती है, न्यूक्लियर वॉर होती है, तो दोनों का ही बहुत नुकसान होगा और ये कभी भी दोबारा सुपर पावर तो कभी नहीं बन पाएंगी। इसी कारण ये डेटरेंस का लॉजिक सही से बैठा था और इसके कारण कोल्ड वॉर कभी भी हॉट वॉर या शूटिंग वॉर में नहीं बदली थी, थर्ड वर्ल्ड वॉर में नहीं बदली थी। अब पढ़ते थे एमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। एमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स यानी जो अपनी ये दोनों सुपर पावर्स थी ना, ये दूसरी छोटी छोटी स्टेट्स को ना ललचाती थी कि तुम हमसे ज्वाइन हो। अब इन छोटे छोटे स्टेट्स का क्या फ़ायदा, बेनिफिट्स ऑफ स्मॉलर स्टेट्स टू लिंक विद सुपर पावर। इन छोटे छोटे स्टेट्स जो भी थे ये सुपर पावर्स के साथ क्यों जाके मिलते थे, इन्हें क्या प्राप्त होता था उससे, प्रोटेक्शन किससे, अगेंस्ट देयर लोकल राइवल्स। यानी जो भी छोटी छोटी कंट्रियाँ होती थी उनकी भी अपने कॉन्फ्लिक्ट होते थे भाई। अब जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया को ले लो, जब इंडिया में लड़ाई चलने लगी, पाकिस्तान ने जब अपने आप को बोला कि हमें डिवाइड होना है, हमें अलग कर दिया जाए इंडिया से, हमें एक नया रिपब्लिक बनाना है, इंडिपेंडेंट कंट्री बननी है, तो उस टाइम पे पाकिस्तान की राइवल कंट्री इंडिया बन गई थी। वैसी और कंट्रीज़ की भी राइवल कंट्रीज़ होती थी, ज़्यादातर उनकी राइवल कंट्रीज़ कौन सी होती थी, उनकी नेबरिंग कंट्री, तो उसके लिए उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए थी। अगर बाय दी चांस छोटी स्टेट्स की लड़ाई हो रही है उनकी नेबर कंट्रीज से, तो सुपर पावर्स उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके वेपन्स के लिए, फॉर गेनिंग वेपन्स, इन्हें वेपन्स मिल सके। जैसे कि हम जानते हैं सुपर पावर जो थे न्यूक्लियर बॉम्ब का इनका भंडार था, इकोनॉमिक एड यानी फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। दिस अलाउंस सिस्टम डिवाइड द वर्ल्ड इन टू थ्री पार्ट।
इसी एलाई सिस्टम ने वर्ल्ड को तीन पार्ट में बांट दिया था. मोस्ट ऑफ वेस्टर्न यूरोप साइडेड विथ यूएस, यानी जितने भी वेस्टर्न यूरोप साइड था यूएस के पास पहुंच गया था. मोस्ट ऑफ ईस्टर्न यूरोप साइडेड विथ यूएस, ईस्टर्न वाला साइड यूएसएसआर का हो गया था. कॉल देम वेस्टर्न एंड ईस्टर्न अलायंस, यानी जितना और इस यूरोप के वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट को वेस्टर्न यूरोप और या ईस्टर्न यूरोप नहीं कहा जाता था, वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस कहा जाने लगा. जैसे कि हमें इसे देख के पता चल रहा है जो ये डिवाइड हुआ था, ये डिवीज़न कहाँ से स्टार्ट हुआ था, यूरोप से. यूरोप को पहले बांटा गया था. देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है नाटो. नाटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. केम इनटू एक्जिस्टेंस, यानी एक्जिस्टेंस में शुरुआत में कब आई थी, 1949 में. फॉर्म्ड बाय वेस्टर्न अलायंस, वेस्टर्न अलायंस के थ्रू बनाई गई थी. वेस्टर्न अलायंस किसकी अलायंस थी, यूएस की. वॉज एन एसोसिएशन ऑफ 12 स्टेट्स विच डिक्लेयर्ड दैट आर्म्ड अटैक ऑन एनी ऑफ देम इन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका वुड बी रिगार्डेड एज एन अटैक ऑन ऑल ऑफ देम. यानी इन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया था भाई, 12 की 12 कंट्रियों के थ्रू ये बनाई गई थी. नाटो जो थी 12 स्टेट्स के थ्रू बनाई गई थी. इन्होंने क्या ऐलान कर दिया था, अगर इन 12 में से किसी भी एक स्टेट पर अटैक होता है या फिर नॉर्थ अमेरिका पे अटैक होता है, तो ये अटैक उस एक अकेली कंट्री का नहीं माना जाएगा, ये पूरी 12 कंट्री का अटैक होगा भाई. पूरी 12 की 12 स्टेट्स लग जाएंगी उस पे, सामने वाली जिसने अटैक करा उस कंट्री को ख़त्म करने के लिए. अब बात करते हैं वॉर्सो पैक्ट क्या था. ये मिलिट्री अलायंस था यूएसएसआर का, ईस्टर्न अलायंस नॉन एज वॉर्सो पैक्ट. जितना भी ईस्टर्न पार्ट था यूरोप का, ईस्टर्न अलायंस, उसे वॉर्सो पैक्ट के नाम से जाना जाता था. ये कब बना था, 1955 में. इसका प्रिंसिपल फंक्शन यानी सिद्धांत कार्य क्या था इनका, इसका कि नाटो की फोर्स को काउंटर करना, यूरोप में नाटो की फोर्स को काउंटर करना इसका उद्देश्य था. मैं आपको अभी से एक मैप में दिखा देती हूँ कि वॉर्सो पैक्ट और नाटो की यानी इन दोनों के अलायंस किस किस कौन कौन कंट्री थी. फ्रेंड्स ये देखो, ये अपना येलो वाला जो है नाटो मेंबर्स का है, ये रेड वाला पार्ट अपना वॉर्सो पैक्ट का है. ग्रीन वाला मैं आपसे बाद में डिस्कस करूँगी. तो देखो नॉर्वे अपना यूएस के पास, हम थोड़ा कंट्री डिस्कस कर लेते हैं यूएस वालों, यूएस अलायंस की और यूएसएसआर अलायंस की. नॉर्वे अपना यूएस का था, ब्रिटेन यूएस का था, फ्रांस यूएस का था, स्पेन, इटली, वेस्ट जर्मनी, ग्रीस, टर्की. वहीं यूएसएसआर का क्या था, रशिया, पोलैंड, ईस्ट जर्मनी, चेकोस्लाविया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गेरिया, ग्रीस तो यूएस वालों का था, बुल्गेरिया. ये सारा अपना किसका था, यूएसएसआर का. ये मैंने यहाँ पे ब्लैंक मैप दिखा दिया है, अगर आप इसे फिल करना चाहें तो फिल कर सकते हैं. इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड इन वेस्ट एशिया मिडल ईस्ट द बिल्ट एन अलायंस सिस्टम कॉल्ड सियातो एंड सेंटो. यानी ईस्ट साउथ ईस्ट और वेस्ट एशिया में भी एक अलायंस सिस्टम बिल्ड हुआ था जो सियातो एंड सेंटो कहते थे. सियातो किसके क्या मतलब है इसका, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और सेंटो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. अब हम एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे, नाम. नाम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक तरह से देखा जाए. इसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा है कोल्ड वॉर एरा में. नाम स्टैंड्स फॉर नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी नाम की क्या फुल फॉर्म है, नॉन अलाइंड मूवमेंट. नाम गेव न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज अ वे ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ अलायंस. यानी नाम में कौन कौन सी कंट्री शामिल थी, उसमें कंट्री शामिल थी जो अभी अभी इंडिपेंडेंस को गेन कर आई, यानी अभी अभी उन्हें आज़ादी मिली है. और नाम का असली मोटिव क्या था, जितनी भी वॉर्स, जितने भी सुपर पावर्स हैं और जितनी भी कंट्रीज हैं, सुपर पावर कंट्रीज हैं, उनसे अलग रहना, यानी वॉर से अलग रहना. और एलाई नहीं बनना चाहती थी किसी भी कंट्री का, यानी यूएसए का भी एलाई नहीं बनना चाहती थी और यूएसएसआर का भी एलाई नहीं बनना चाहती. अब बात करते हैं मेंबर्स ऑफ नाम. मेंबर्स ऑफ नाम, फाइव कंट्रीज वर द मेंबर ऑफ नाम इन स्टार्टिंग. अगर शुरुआत की बात करी जाए तो पांच कंट्री थी. इंडिया, इंडिया ही फाउंडर माना जाता था नाम का. उस टाइम पे इंडिया के जो लीडर थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया जोसेफ ब्रोस टीटो, इजिप्ट के थे गैमल अब्देल नसीर, इंडोनेशिया के थे सुकर्नो, और घाना के थे कोवेम नकुरमा. यूगोस्लाविया डिसइंटीग्रेट हो चुका है 6 कंट्रीज में, तो आपको भी मैप में नहीं दिखेगा.
रीजंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ नाम, यानी नाम को बनाने के क्या रीज़न रहे थे, एज द कंट्रीज न्यूली बिकम इंडिपेंडेंट इफ दे अगेन बिकम द पार्ट ऑफ सुपर पावर्स दे लॉस देयर फ्रीडम एज सून एज दे गेन फॉर्मल इंडिपेंडेंस। यानी कहने का मतलब क्या था, जो ये कंट्रीज थी जो नाम में की मेंबर थी उन्होंने अभी अभी हाल ही में ही आज़ादी प्राप्त की थी, अगर वो दोबारा से ही सुपर पावर का पार्ट बन जाती किसी लड़ाई में पड़ जाती तो उनकी उनकी जो फ्रीडम थी वो मिलने से पहले ही उनसे छिन जाती। आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस दीज कंट्रीज वॉन्ट टू डेवलप देमसेल्फ, ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्री थी तो इसलिए ये अपने आप को डेवलप करना चाहती थी, दूसरी कंट्रियों के हिसाब से वो अपने आप को बेहतर बनाना चाहती थी। अब बात करते हैं, ये हमारा एक मेन क्वेश्चन है, वाई सुपर पावर्स नीडेड एनी अलाइज, यानी सुपर पावर का क्या, हमने बात करी थी कि छोटी छोटी स्टेट्स हैं उनका क्या फ़ायदा होता था, उन्हें भाई प्रोटेक्शन मिलती थी, वेपन मिलते थे, इकोनॉमिक एड मिलती थी, फाइनेंशियली हेल्प मिलती थी, पर इन सुपर पावर्स को क्या मिलता था, ये बहुत मेन सवाल है। फॉर गेनिंग वाइटल रिसोर्सेज सच एज ऑयल एंड मिनरल्स, ये जो छोटे छोटे स्टेट्स थे इनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते थे जैसे कि ऑयल के, मिनरल्स के, तो सुपर पावर्स को अपने वेपन्स को चलाने के लिए, अपनी मशीन्स को चलाने के लिए, मिलिट्री मशीन्स को ऑयल और मिनरल्स की ज़रूरत होती थी, ऑयल को मशीनों को रन करने के लिए जैसे हम जानते हैं ऑयल की रन होती, तो ये जो सुपर पावर थी वो इन छोटे स्टेट से क्या लेती थी, ये सारे रिसोर्सेज को प्राप्त करती थी, टेरिटरी फ्रॉम वेयर सुपर पावर्स कुड लॉन्च देयर वेपन्स एंड ट्रूप्स, इन्हें एक अपने लिए एक टेरिटरी मिल जाती थी, यानी अगर इनका दुश्मन देश इनकी राइवल कंट्री ढूंढ लेते थे, हाँ भाई यहाँ से हम उस पर एकदम सीधा निशाना साजेंगे, इन्हें अपने लिए टेरिटरी मिल जाती थी जहाँ से वो अपना हमला कर सकते हैं राइवल कंट्री पे, लोकेशन फ्रॉम वेयर दे कुड स्पाई ऑन ईच अदर, यानी एक लोकेशन मिल जाती थी जहाँ से वो सामने वाली यानी अपोजिशन कंट्री पे स्पाई कर सकते थे, यानी नज़र रख सकते थे। इकोनॉमिक सपोर्ट इन दैट मैनी और एलाइज टुगेदर कुड हेल्प पे फॉर मिलिट्री एक्सपेंसेस, यानी एक इकोनॉमिक सपोर्ट इन्हें भी मिलता था, सारी की सारी जितने भी एलाइज को मिला देंगे तो उनका क्या कहते हैं हमें मिलिट्री एक्सपेंस हो जब पूरा पड़ जाता था, ये जितनी भी कंट्रीज थी छोटी छोटी इनको सारे को मिलाने के बाद जो मिलिट्री हमें नीड होती थी, यानी ये सुपर पावर को यानी जो अलाइज बना रही थी इन कंट्रीज़ को नीड होती थी भाई ज़्यादा से ज़्यादा इनके मिलिट्री में भर्ती हो, इनकी मिलिट्री बढ़े, तो इन छोटी कंट्रियों से ये हेल्प ले लेते भाई, इनका मिलिट्री एक्सपेंस भी बढ़ जाता था, मिलिट्री खर्चा। फ्रेंड्स मैं पहले आपको बताना भूल गई, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड क्या था। फर्स्ट वर्ल्ड यूएस और यूएस के अलाइज फर्स्ट वर्ल्ड में आते थे, सेकेंड वर्ल्ड में कौन आते थे, यूएसएसआर और उसके अलाइज, और थर्ड वर्ल्ड में यानी थर्ड वर्ल्ड क्या था, जो नाम था अपना नॉन अलाइन मूवमेंट के जितने मेंबर्स थे यानी इंडिया, घाना, यूगोस्लाविया, इजिप्ट, इंडोनेशिया और अदर्स, ये सारे आते थे अपने थर्ड वर्ल्ड में। तो आपको क्लियर हो चुका है यहाँ फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड। एरिनाज ऑफ द कोल्ड वॉर, यानी एरिनाज का क्या मतलब था, कुछ इन दोनों सुपर पावर्स का डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन हुआ था कुछ कंट्रीज से, यानी जैसे कोरिया से 1950-53 में, बर्लिन में हुआ था 1958-62 में, बर्लिन में तो एक वॉल तैयार हो गई थी जिसमें ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट डिवाइड हो गया था जर्मनी का, अब वैसे वॉल टूट चुकी है। कॉन्गो में अर्ली 1960s। अभी एरिनास क्या थे, एरिनास वो एरिया थे जहाँ पे क्राइसिस यानी ये लड़ाइयाँ हुई थी। अब बात करते हैं आर्म्स कंट्रोल क्या था। यूएस एंड यूएसएसआर डिसाइडेड टू कोलेबरेट इन लिमिटिंग और एलिमिनेटिंग सर्टेन काइंड्स ऑफ न्यूक्लियर एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन्स, स्टेबल बैलेंस ऑफ वेपन शुड बी मेंटेन, यानी आर्म कंट्रोल क्या था, जैसे कि ये दोनों ही रैशनल थे, दोनों ही जानते थे कि भाई आर्म से यानी न्यूक्लियर बॉम्ब से बहुत तबाही होगी, तो उन्होंने एक आर्म कंट्रोल एग्रीमेंट बनाया जिसमें यूएसएसआर और यूएस ने क्या डिसाइड करा, हम अपने जो हमारे पास बॉम्ब है न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको कुछ को हटा देंगे और कुछ को लिमिट करेंगे, ठीक है ना, लिमिटेड रखेंगे, यानी वेपन्स का इस बैलेंस होगा,
यानी ऐसा नहीं है कि भाई बनाते जा रहे हैं बनाते जा रहे हैं, अभी 100 है तो 1000 करने हैं, सेंचुरी है डबल सेंचुरी, ऐसे पार नहीं करनी थी, बैलेंस करना था इनको, ये पूरा जो वेपन था इनको मेनटेन करना था। हाँ भाई इतने 10 बनाने तो 10 ही रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं बनाएंगे। अब इसके अंदर क्या था, 1960 यानी 1960 के दशक में शुरुआत में यूएसए एंड यूएसएसआर ने 3 एग्रीमेंट्स पे साइन करा। अब वो 3 एग्रीमेंट्स क्या थे वो बताती हूँ मैं आपको। टेस्ट बैन ट्रीटी पहला, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। अब मैं आपको इसको डिटेल में बताती हूँ। टेस्ट बैन ट्रीटी क्या थी, इसमें जो टेस्ट होते थे न्यूक्लियर बॉम्ब के स्पेस से बाहर और पानी के अंदर, जैसे कि मान लो यूएस ने अपना एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, अब भाई उसको वो टेस्ट तो करेगा तो भाई या तो फिर वो स्पेस में टेस्ट करेगा या फिर वो वाटर में, तो उसी पे रोक लगानी थी भाई ये ज़्यादा टेस्ट नहीं होंगे। और ये साइन इस पे कब हुआ था, मॉस्को में हुआ था 1963 में, ठीक है। और ये केम इनटू फोर्स यानी इजाद में कब आया था, इम्प्लीमेंटेशन इसकी कब हुई थी, 10 अक्टूबर 1963 में। टेस्ट बैन ट्रीटी की बात चल रही है यहाँ पे, यानी जितने भी तुम न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हो उसके टेस्ट पे लिमिटेड कर दिया था। अब बात करते हैं न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की। इसके नॉन कहने मतलब इसका क्या मतलब था न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का, इसमें वो ही कंट्री न्यूक्लियर बॉम्ब्स को रख सकती है, अफोर्ड कर सकती है, जिन्होंने 1 जनवरी 1967 में अपने आप को न्यूक्लियर नेशन के हिसाब से बता दिया गया है। यानी वो ही कंट्री मैन्युफैक्चर कर सकती है न्यूक्लियर बॉम्ब जो 1 जनवरी 1967 से पहले अपने आप को बता चुके, उसके बाद की कंट्रियों को न्यूक्लियर कंट्री नहीं माना जाएगा। तो न्यूक्लियर वेपन वाले स्टेट्स 5 थे, यूएस, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस एंड चाइना, क्योंकि उन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले ही डिक्लेयर कर दिया था अपने आप को। और ये वाला जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी था ये कब इम्प्लीमेंट हुआ था, 1995 में। ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी क्या था, इसमें था जो ये सुपर पावर्स थी, अगर इनके बाय द चांस कभी भी इनकी लड़ाई होती थी ये अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स की धौंस दिखाते थे, तो इसमें इसके अकॉर्डिंग था तुम्हें अगर लड़ाई करनी है तो करो पर न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं करोगे, एज अ प्रोटेक्शन, एज अ कवच जिसे कह लो तुम उसकी तरह यूज़ नहीं करोगे, यानी शील्ड की तरह यूज़ नहीं करोगे अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को, इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग यही कहा गया था। और ये फोर्स में यानी इम्प्लीमेंट कब हुई थी, 3 अक्टूबर 1972 में ये इम्प्लीमेंट हुई थी। तो गाइज यहीं पे इस वीडियो का एंड होता है, ये पार्ट वन था, अभी चैप्टर बाकी है, ख़त्म नहीं हुआ है। तो वीडियो के एंड में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल में नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके मेरी सारी सभी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखें। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टा आईडी पे फॉलो नहीं करा तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी इंस्टा आईडी का लिंक मिल जाएगा, अभी जाके फॉलो कीजिए। और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले कि मेरी वीडियो कैसी थी, मैंने कैसा टीच करा, और पार्ट टू आपको जैसे जानते हैं आई बटन को क्लिक करके मिल जाएगा, तो जल्दी से जाइए और पार्ट वन कंप्लीट कीजिए, फिर आई बटन को क्लिक करके मेरे पार्ट टू को देखिए। थैंक यू एंड गुड बाय।